नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था वॉच के मूवमेंट्स में जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक होता है क्वार्ट्ज मूवमेंट एंड दूसरा होता है मैकेनिकल मूवमेंट। इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा जिसे अगर आप चाहें तो वापस देख सकते हो। अब आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक क्वार्ट्ज मूवमेंट कैसे काम करता है, एंड ये सिखाने के लिए मैं हेल्प लूँगा इस स्केल की। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम को काउंट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक रेफरेंस। रेफरेंस कोई ऐसी चीज़ की जहाँ हमें पता हो कि वो पर्टिकुलर चीज़ एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्केल की बात करूँ तो ये स्केल अगर हमें पता है कि इसे एक बार मारने से एक सेकंड में ये 5 बार अगर हिलता है, जिसका मतलब एक सेकंड में 5 ऑसिलेशन लेता है, तो उस केस में स्केल के ऑसिलेशंस को अगर मैं काउंट करूंगा 5 बार, जैसे ही मैं 5वें काउंट पे आता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 सेकंड का टाइम हो गया है। यहाँ हमें पता चल गया है कि सबसे पहले हमें किसी एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो 1 सेकंड में एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स वाइब्रेट करता है एंड हम उसे काउंट कर पाए। तो वाइब्रेशंस तो हम ढूंढ लेंगे कि कौन सा मटेरियल या कौन सा मिनरल जो है परफेक्टली वाइब्रेट करता है हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट इसे काउंट कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट्स में अगर हम बात करें तो सबसे इजी होता है एक सर्किट का वोल्टेज काउंट करना। तो यहाँ पे हमारे दूसरे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की रिक्वायरमेंट है, वो है वोल्टेज जनरेशन, और यहाँ हम मदद लेंगे एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जिसे जब आप मारो या फोर्स या इम्पैक्ट दो उसे, तो एज ए रेस्पॉन्स पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से एक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जनरेट होता है। इस इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को आप एक सर्किट के थ्रू काउंट या मेजर कर सकते हैं। तो आइडियली हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो एक तो पीजो इलेक्ट्रिक हो और इसके अलावा हमें पता हो कि ये 1 सेकेंड में कितने एग्जैक्ट ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस करता है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहीं पे हमें काम आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल मूवमेंट की, जो है क्वार्ट्ज मिनरल। तो क्वार्ट्ज मिनरल एक नेचुरली अकरिंग मिनरल होता है जिसे आप माइन करते हैं एंड आपको ये ऑब्टेन करना पड़ता है। तो जब आप एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल को परफेक्टली एक स्पेसिफिक एंगल में कट करते हो तो ये जो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है ये एग्जैक्ट 32,768 हर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होता है। ये फ्रीक्वेंसी आपको परफेक्ट लानी पड़ती है, एंड इसके लिए जो कंपनीज जब इस क्रिस्टल को बनाते हैं बहुत ध्यान से इसका साइज़ को छोटा या बड़ा या इसको फाइनल पॉलिशिंग करते हैं, एंड बहुत एक्यूरेटली इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे लाना पड़ता है। इस फ्रीक्वेंसी का एक और रीज़न भी है, ये एग्जैक्ट 2^15 टाइम्स का इक्वल होता है, यानी 2^15 = 32,768। ये एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होती है। जब आपको ये एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी जनरेट करने की कैपेसिटी आ गई है तो आप एक बैटरी के थ्रू इस पर्टिकुलर क्रिस्टल में एक फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करके आप इसको चार्ज या कहते हैं इसे हिट करते हो, एंड जब आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस पे हिट होता है तो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे हमने देखा स्केल की तरह वाइब्रेट होता है फ्रीक्वेंसी 32,768 पर, एंड इसी फ्रीक्वेंसी पे वो वोल्टेज भी जनरेट करता है। एंड एक सीरीज ऑफ फ्लिप फ्लॉप सर्किट के थ्रू, फ्लिप फ्लॉप एक डिफरेंट टाइप का सर्किट होता है जो लॉजिक पे काम करता है, जिसको आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना समझ लीजिए कि फ्लिप फ्लॉप का एक सीरीज़ होता है, 15 फ्लिप फ्लॉप सर्किटरीज का सीरीज़ होता है जो इस 32,768 वाइब्रेशंस को काउंट करते करते 1 काउंट पे लेकर आता है। तो मतलब आपका पूरा सर्किट जो है काउंट करेगा एंड बताएगा कि 32,768 फ्रीक्वेंसीज जब हो गए तो ये सर्किट के आखिर में आपको पता चला है कि जी हाँ 1 सेकेंड का टाइम हो गया है। तो फाइनली आपने क्वार्ट्ज क्रिस्टल के वाइब्रेशन एंड उस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सर्किट यूज़ करके अपने फाइनली काउंट कर लिया है कि 1 सेकेंड का टाइम हो गया है। अब आपके पास सर्किट में 1 सेकेंड का टाइम काउंट हो चुका है। अब इस 1 सेकेंड के टाइम को आपकी मर्ज़ी है कि
किस तरीके से यूज़ करना चाहे। अगर आप बात करो ऐसे एक डिजिटल वॉच में जहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले होता है, तो इसमें आप हर एक सेकंड में डिजिटल डिस्प्ले पे आप टाइम बढ़ा सकते हो। या फिर अगर आप ऐसे किसी एनालॉग वॉचेस की बात करते हो, तो इसमें हर एक सेकंड में आपके पास एक छोटा सा स्टेपर मोटर होता है। स्टेपर मोटर यानी एक हर सिग्नल के हिसाब से वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस घूमता है, तो उस डिस्टेंस के हिसाब से आप एक सीरीज ऑफ गियर्स या कॉगव्हील्स यूज़ करके आप आपके मिनट्स सेकेंड्स एंड आवर हैंड्स को घुमा सकते हो। तो ये है आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन कैसे एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल काम करता है एंड कैसे एक क्वार्ट्ज मूवमेंट का काम होता है, कैसे वो टाइम को काउंट करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीख के अच्छा लगा हो, एंड अगली बार जब आप एक वॉच देखोगे तो आपको ये याद आएगा कि कैसे ये वॉच असली में बैकग्राउंड में काम करता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।